दुनिया में कई तरह के राग होते होंगे, मगर पाकिस्तान में उन सबसे एक ज्यादा है। जितना पुराना पाकिस्तान है उतना पुराना उसका ये राग, यानी कश्मीर राग। जिस तरह एक अच्छा फनकार अपने सबसे अच्छे फन का मुजाहिरा दुनिया के सामने बार बार करता है, ठीक वैसे ही पाकिस्तान भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। पाकिस्तान ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र में अपनी बेसिर पैर की अपील से जाहिर कर लिया। भारत ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा उठाने के लिए पाकिस्तान को जमकर लताड़ा है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान को संकीर्ण राजनीतिक लाभ के लिए किसी भी मंच का दुरुपयोग करना उसकी आदत में शुमार है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में कश्मीर मुद्दे को उठाने के लिए पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस बड़े मंच पर ओछी राजनीति करना इस्लामाबाद की आदत बन गई है। भारत ने कहा कि आत्मनिर्णय के अधिकार का यह मतलब नहीं होता कि किसी देश की क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर कर दिया जाए। संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के स्थायी मिशन में प्रथम सचिव पालोमी त्रिपाठी ने पाकिस्तानी दूत मालेहा लोढ़ी के भाषण का जवाब देते हुए ये बातें कही। मालेहा लोढ़ी ने अपने भाषण में भारत पर आरोप लगाया था कि उसने दशकों से कश्मीरी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकारों को दबा दिया है। भारत की तरफ से पलटवार करते हुए पालोमी त्रिपाठी ने नस्लवाद उन्मूलन, जेनोफोबिया और लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार पर मंगलवार को UNGA में चल रहे सेमिनार में कहा, हम जम्मू कश्मीर राज्य में एक राज्य द्वारा किए गए अनचाहे हस्तक्षेप को अस्वीकार करते हैं और कहना चाहते हैं कि यह भारत का एक अभिन्न अंग है। इससे पहले पाकिस्तानी दूत लोढ़ी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों के तहत एक जनमत संग्रह कराने तक और कश्मीरी लोगों के आत्मनिर्णय की आज़ादी तक कश्मीर संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे पर रहेगा। भारतीय दूत पालोमी त्रिपाठी ने कहा कि संकीर्ण राजनीतिक लाभ के लिए किसी भी मंच का दुरुपयोग करना पाकिस्तान की आदत बन गई है। उन्होंने कहा, हकीकत में भारत के लोगों के साथ साथ समूचे क्षेत्र के लोगों को सीमा पार आतंकवाद से जूझना पड़ रहा है। त्रिपाठी ने कहा, आत्मनिर्णय के अधिकार की व्याख्या किसी सदस्य राज्य की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर करने के उद्देश्य से गलत तरीके से नहीं की जा सकती। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत स्वतंत्रता और स्वशासन का पैरोकार रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप भारत तक को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही लाइक कीजिए हमारे वीडियोस और शेयर कीजिए।